तो हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जैसा कि आप लोगों ने मेरे पिछले एयरपोर्ट वाले व्लॉग में देखा होगा कि मैं गया था वहाँ पे, थोड़ा बहुत आप लोगों को सही से दिखा नहीं पाया था। तो मैं सोच रहा हूँ आज मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में वीडियो बना के दिखाऊंगा। अभी आप लोग पीछे देख सकते हो मेरे कि कानपुर एयरपोर्ट का पुराना वाला टर्मिनल है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं नए वाले टर्मिनल में। पीछे देख लो रास्ता है, यहीं से हम लोग चलेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। तो जब चलेंगे जो हम लोग, वो मैं आपको फास्ट मोड में दिखाऊंगा। जैसे वहाँ पहुँचते हैं फिर उसके आगे की बात आपको करते हैं। लेकिन चलने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ अगर आप लोगों को चैनल पसंद आता है, वीडियो मेरे पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को। तो चलो जल्दी से चलते हैं। तो देख लो गाइस, आ चुके हैं हम लोग फिर से दोबारा पार्ट टू में। अभी मैं यहाँ पे आया तो जो गार्ड हैं भैया, उनसे थोड़ा सा बातचीत होने लगी, वो थोड़ा सा नाराज़ हो गए। तो मैंने कहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये नाराज़ हो रहे हैं। फिर उन्होंने सारी चीज़ें बताएं कि आखिर वो क्यों नाराज़ हो रहे हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, वो सही कह रहे हैं। तो वो भी यहाँ पे नौकरी करने के लिए बैठे हुए हैं, तो उनका काम है भाई हमको बताना है कि मैं किस तरीके से यहाँ पे काम कर सकता हूँ। तो मुझे भी उनके साथ कॉपरेट करना बिल्कुल बनता है। तो चलो कोई बात नहीं, जो था फिर उसके बाद चलेंगे अंदर और आप लोगों को भी दिखाएंगे कि पिछली बार जब मैं आया था तब क्या था और अभी मैं जब आया हूँ तब क्या अपडेट हुआ है। तो चलो जल्दी से चलते हैं, चलो अपने एयरपोर्ट के टूर को चालू करते हैं। जैसा कि आप लोग अभी यहाँ पे देख सकते हो कि ये कुछ ऐसे ग्रीनरी टाइप की है, यहाँ पे कुछ है नहीं। हो सकता है यहाँ पे प्लांट वगैरह से कुछ अगर लगाए जाएंगे तो लगाए जाएंगे। तो चलो जल्दी से चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या चेंज हुआ है। आ जाओ, देख लो यहाँ पे प्लांट्स वगैरह लगा दिए गए। अभी अभी ऐसे ही लगाए गए हैं या इनका रख रखाव किया जाएगा ये तो कुछ अब पता नहीं है, देखते हैं क्या होगा। चलो जल्दी से चलते हैं अंदर। ये देख लो, ये पार्किंग एरिया है, यहीं पे गाड़ियाँ पार्क वगैरह होंगी मस्त एकदम अच्छे से। अभी तो देखने में थोड़ा गंदा लग रहा है, थोड़ा जल्दी इसको भी अच्छे से बना दिया जाएगा। चलो और आगे चलते हैं। फिर वहाँ से आने के बाद ये जो है पूरा आप देख सकते हो, ये मेन कॉरिडोर है एयरपोर्ट का, यहीं से पूरी अच्छी तरीके से एयरपोर्ट चालू होता है। तो देख लो यहाँ पे काम अच्छे से हो चुका है, टाइल्स वगैरह सब लग चुके हैं, सॉरी टाइल्स नहीं पत्थर वगैरह। पीछे आप लोग देख पा रहे होगे फाउंटेन लगा है, अभी तो ये नहीं चालू हुआ है, थोड़ा जब एयरपोर्ट खुल जाएगा तब ये ज़रूर चलेगा। शाम को अभी भी चलता है, लेकिन शाम को आना यहाँ पे अलाउड नहीं है 5-6 बजे के बाद, तो इस वजह से क्या ही देख पाएंगे हम लोग। एक्चुअली होता क्या है कि ये गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे ऐसे ही आप आओ सोचो कि मैं कुछ भी करने लगूँ तो यहाँ पे अलाउड नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर कंस्ट्रक्शन पे है तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है। वैसे तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो देखते हैं, हम्बल लोग हैं, आपको आसानी से परमिशन दे देंगे, लेकिन भाई जो यहाँ के रूल्स हैं उनको फॉलो करना ज़रूरी है। तो इसी वजह से हम लोग दिन में आए हुए हैं कि इस तरीके का कोई चक्कर ही ना हो। ये सब चीज़ें जो फाउंटेन है जब यहाँ से फ्लाई करेंगे तब देख लेंगे, ये अभी आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए है। और चलते हो अंदर। तो यार ये जो आप लोग लाइटें देख रहे हो एकदम हाई क्वालिटी की लाइटें लगाई गई हैं, फिलिप्स की है। वैसे तो इसके ऊपर ये क्या बोलते हैं कवर टाइप का है, मुझे लग रहा है कि ये पीली लाइटें कुछ जलेंगी ताकि यहाँ पर जब शाम को आप लोग आओगे तो देख के कुछ अलग ही नज़ारा होगा कि यहाँ पे बैठ के आप फोटोग्राफी भी कर सकते हो इस लाइट में। गाइस आप ये पीछे देख रहे हो कहाँ पे वो लोग बेचारे चढ़े हुए हैं। तो ये सब बनाने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है, अगर आप लोग को इन्हीं के ऊपर थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ यार बहुत मेहनत कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, यही कहूँगा। तो एक बार हम लोग फिर से पहुंच चुके हैं डिपार्चर लॉबी में और अराइवल लॉबी में। ये एंट्री गेट्स हैं, ये है रिजर्व लाउंज। भाई साहब यहाँ का काम देख रहे हो कितना जबरदस्त तरीके से हुआ है, पूरा एकदम मिरर वर्क है, ग्लास भाई बहुत बढ़िया लग रहा है, कुछ भी कहो काम तो बहुत अच्छा हो रहा है। तो ये देख लो कुछ एयरपोर्ट का एरियल व्यू है, ऊपर से कुछ ऐसा दिखेगा अपना एयरपोर्ट। देखो यार पिछली बार हम लोग आए थे तो बिल्कुल सादा सादा सा लग रहा था, अब देखो ये चेक इन काउंटर्स वगैरह रख दिए गए तो देखने में कुछ अलग ही लग रहा है कि हाँ यार कुछ तो बढ़िया होने वाला है। तो यही चेक इन काउंटर्स हैं, कितना 1, 2, 3, 4 मे बी 5 या 6 रहने वाले हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। बाकी ये बेल्ट भी है
आपने आप यहाँ सामान रखोगे तो जो आप क्या बोलते हैं बैगेज वगैरह होते हैं ना चेक इन करने वाले, तो वो यहीं से ही होएगा सारी प्रोसेस, उसके बाद आप लोग अंदर जाओगे। तो चलो चलते हैं और दूसरे पार्ट्स में आप लोगों को दिखाते हैं। तो यार ये जो है ये फर्स्ट फ्लोर में है, एयरपोर्ट का जो अथॉरिटीज़ होती है जो ये लोग काम करते हैं वो वाला एरिया है, तो यहाँ ज़्यादा अंदर मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि कुछ भी प्राइवेसी वाली चीज़ें होती है तो वो सब नहीं दिखानी चाहिए। लेकिन आप पीछे देख सकते हो कि यहाँ पे ये सब चीज़ें काम होता है। तो वहाँ से निकलने के बाद अभी हम लोग आ गए हैं बेल्ट एरिया में। ये बेल्ट एरिया है, यहाँ पे आप अपने बैगेज वगैरह क्लेम करोगे। यहाँ पर पिछली बार आए थे तो काम चल रहा था, भैया लोग लगे हुए थे, अब की बार देख लो एकदम ज़बरदस्त तरीके से। अभी बस खाली इसके ऊपर वो चमड़े वाली बेल्ट लगानी रहेगी, बाकी सब कुछ तो हमें लग रहा हो ही चुका है। पिछली बारी तो जो हम लोग आए थे तो ये जो अट्रैक्शन के लिए बनाए गए हैं दो पिलर टाइप के, इनमें काम चल रहा था, लेकिन अब काम लगभग लगभग ख़त्म हो गया है। तो काम ख़त्म होने के बाद देख लो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक चीज़ और रह गई थी जो आप लोगों को दिखानी थी। एयरपोर्ट के जस्ट बाद ये देख लो एक कनेक्टिविटी रोड बनाई जा रही है जो कि डायरेक्ट हाईवे से जुड़ी है। मतलब हम लोग जिस रास्ते से आए हैं फ्यूचर में इस रास्ते से आने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 4 लेन की एक मस्त रोड बनाई जाएगी जिससे आप डायरेक्टली यहाँ पे आसानी से आ सकते हो। पीछे देख सकते हो आप लोग काम वगैरह भी अच्छा से चल रहा है, एयरपोर्ट के साथ ही ये भी जल्दी से निपट जाएगा। तो हाँ आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कानपुर एक नेक्स्ट लेवल ही अप हो रहा है। तो चलो आज के वीडियो में इतना ही था, होप करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर देना। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। Thank you.